है तू बेवफा, तुझे पता है तेरे दिल को पता। अच्छा मुझे बताएं आपका क्या खाने का दिल चाह रहा है? जो भी दिल चाह रहा है मुझे बताएं, मैं बनाकर खिलाऊंगी। बल्कि एक काम करें, अम्मा मेरे साथ घर चले ना, मैं आपकी खूब सारी खिदमत करूंगी और अच्छे अच्छे डिशेस बना के आपको खिलाऊंगी, आई प्रॉमिस, चले ना। नहीं नहीं मैं वहां कहीं नहीं जाएगी, यहीं पर रहेगी, डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है, और फिर इसकी खिदमत के लिए मुलाजिम है ना यहाँ। मगर अंकल मुलाजिम उस तरह कहाँ ख्याल रखेंगे जिस तरह मैं रखूंगी। अरे नहीं भाई, तुम कब ख्याल रखोगी इसका? तुम खुद सारा दिन जॉब पर होती हो, पीछे ही अकेली रहेगी और फिर सारा काम ये खुद ही कर रही है। नहीं ना, मैं छुट्टी ले लूंगी जॉब से, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं रिजाइन दे दूंगी, अम्मो से बढ़कर कुछ भी नहीं। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। अच्छा अगर मैं चली गई तो फारूक अकेले हो जाएंगे। हाँ मेरी खिदमत का कुछ ज्यादा ही शौक उठ रहा है, तो यहाँ आके रह लो, यहाँ करो मेरी खिदमत। ये पॉसिबल नहीं है नाम। दो चार दिन के लिए तो रह ही सकती हूँ मेरे पास। प्लीज अम्मो इंसिस्ट मत करें, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए जरा, अभी कह रही थी अम्मो से बढ़कर कुछ नहीं है। हाँ वो बात सही है बिल्कुल, लेकिन फारूक समझाए ना इसको, कहे ना रुक जाए मेरे पास। हाँ अगर इतना इसरार करिए तो रुक जाओ। और फिर डॉक्टर ने वैसे भी कहा है कि ये खुश रहे, और मुझे इसकी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। अब तो मान जाओ। ओके ये हुई ना बात, अब बताओ क्या बना के खिला रही हो मुझे? कुछ भी, जो आपका दिल करेगा वो खिलाऊंगी और बहुत सारी खिदमत करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत है आंटी? आप लोगों ने इस वक्त इतना अर्जेंट बुलाया, काफी सीरियस नजर आ रहे हैं आप लोग। मैं तुम्हें सुबह से कॉल्स कर रही हूँ लेकिन तुम्हारा कोई रिस्पांस नहीं आया। ओह आई एम सो सॉरी, एक्चुअली आज मैं बहुत बिजी थी। खैर आप बताएं। शॉपिंग के लिए गई थी मैं आज। वेरी गुड, तो क्या क्या लिया आपने? शॉपिंग क्या खाक करती मैं? तुमने तो मेरा अकाउंट ही खाली कर दिया। क्या मतलब? मैंने कार्ड दिया था शॉपिंग करने के लिए, अभी जब मैं उसकी बैंक डिटेल देख रही थी तो कभी 15 लाख, कभी 10 लाख, कभी 20 लाख। आंटी ये आप क्या कह रही हैं? मैंने शादी की शॉपिंग करनी थी, ब्राइडल ड्रेसेस, ज्वेलरी,
ये कोई 1-2 लाख का तो आता नहीं है। 80 लाख में भी नहीं आता। आंटी आप मेरी इंसल्ट कर रही हैं। ये सब कुछ मेरे पापा भी अफोर्ड कर सकते थे। मैंने नहीं कहा था आपको कार्ड देने को, आपने जबरदस्ती दिया था मुझे। और अगर ऐसी ही बात थी तो आपको कार्ड देते हुए कहना चाहिए था कि इतनी अमाउंट खर्च करना, इससे ज्यादा हम अफोर्ड नहीं कर सकते। शट अप! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी अम्मी से इस तरह बात कर रही हो तुम? और ये जो कर रही हो तुम्हें नजर नहीं आ रहा? टके टके का हिसाब ले रही है मुझसे? 3-4 लाख की शॉपिंग तो मैं रूटीन में कर लेती हूँ, और ये तो फिर शादी की शॉपिंग थी, शादी की। उफ़, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं तो सिर्फ ये समझाना चाह रही थी कि देखो, जो काम भी किया जाए ना, उसको लिमिट्स में किया जाए तो अच्छा। लिमिट्स माय फुट? माइंड योर लैंग्वेज। यू माइंड योर लैंग्वेज। तुम तो चुप ही रहो। इतने अरसे में ना सब पता चल गया है मुझे कि अपनी माँ के पल्लू से बंधे हुए हो तुम। मुझे तो पूरा यकीन है तुम्हारी पहली बारात भी इसीलिए वापस गई होगी क्योंकि तुम्हारी माँ का ऑर्डर होगा। और आज भी बेवकूफों की तरह यो मुंह उठाकर अपनी मनकोहा से जरा से पैसों का हिसाब ले रहे हो। शेम ऑन यू। जा रही हूं मैं, और अब तो मेरे पेरेंट्स ही आप लोगों से बात करेंगे। माहम, अब हारिस जाओ, रुको, जाके बात बिगड़ जाएगी। बिगड़ती है तो बिगड़ जाने दे। मैं जाकर इसको नहीं रोकूंगा। अच्छा है वो चली जाए इस घर से भी और मेरी जिंदगी से भी। क्या कह रहे हो तो? बिल्कुल ठीक कह रहा हूं मम्मी मैं। आपने उसका रवैया नहीं देखा, किस तरह बदतमीजी से बात कर रही थी आपसे, तंज कर रही थी आपको। हारिस वो ना समझ है, लेकिन तुम तो समझदार हो ना बेटा। अम्मी समझदार हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ मैं। अपनी पूरी जिंदगी इस लड़की के साथ खराब नहीं कर सकता हूँ मैं। हारिस तुम्हारा उससे निकाह हुआ है, और निकाह जो है वो बच्चों का खेल नहीं है कि जब दिल चाह खेला और जब दिल चाह उसे खत्म कर दिया। चाहो ना बेटा जाके उसे रोको, देखो वो अभी यही होगी। अम्मी मुझे समझ नहीं आ रहा आपकी सोच में इतना तजाद क्यों है। अनुषा के लिए आपने कहा था कि वो लड़की बदतमीज है, जबान दराज है, उसके साथ तुम्हारी जिंदगी नहीं चल सकती। हालांकि उसने आपकी ये दौलत पैसा कुछ भी नहीं मांगा था आपसे, सिर्फ अपना हक मांगा था उसने, और उससे तो आपने रिश्ता खत्म कर दिया। और दूसरी जगह कह रही है कि इस लड़की की बदतमीजी बर्दाश्त करूं और ना समझे उसके साथ जिंदगी गुजारूं। हारिस तुम मेरी बात का गलत मतलब समझ रहे हो, मेरा ये मतलब हरगिज नहीं था। देखो मैंने तो हमेशा जो कुछ भी किया तुम्हारी भलाई के लिए किया। अम्मी आप प्लीज मेरी भलाई के बारे में सोचना बंद कर दें आप, मैं ऐसे ही ठीक हूं। इस भलाई के चक्कर में ना बार बार शर्मिंदगी और रुसवाई मिल रही है मुझे, और भाड़ में जाए ये लड़की। हारिस क्या चाहते हो तुम? उसकी बात मानना चाहते हो ना? तो जाओ, वो जिद्दी और सरकश लड़की ना तुमसे तलाक लेगी और तुम्हें ठोकर मार के चली जाएगी, और उसे कुछ लौटाना भी नहीं पड़ेगा क्योंकि बहुत होशियारी से ना उसने अपने हक मेहर के साथ अपना खर्चा भी लिखवा लिया है। सब कुछ लेके यहाँ से चली जाएगी। एक मौका दे दे मुझे, मैं समझा लूंगा उसे। ठीक है तुम्हें मैं एक मौका देती हूँ। तुम्हें बहुत नाज है ना कि वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती है, बड़े दावेदार हो तुम उसकी मोहब्बत के। तो जाओ जाके बात कर लो उससे। हाँ अगर वो मानती है तो ठीक है, हम यहाँ इंतजार कर रहे हैं तुम्हारे, और अगर वो नहीं मानेगी तो एक सेकंड में यहाँ नहीं रुकने वाली। चौक अम्मी चलें यहाँ से। चलो बहुत हो गया तमाशा, चलो। हारिस, हारिस बेटी ठहर जाओ जरा, बात सुनिए। क्या सुने? क्या मतलब है और क्या सुनना बाकी रह गया? मजीद बेइज्जती करवानी है हमें? बच्ची है, नादान है, नहीं समझती, कभी समझ जाएगी। अब वो समझेगी भी नहीं कभी, सरकश लड़की कहीं की। और तुम क्या खड़े मुंह देख रहे हो, चलो यहाँ से। चल
अनुषा ये बहुत बड़े बड़े लग रहे हैं झुमके। अरे बिल्कुल अच्छे लग रहे हैं, बहुत डिसेंट लग रहे हैं। क्या हो गया, ये ले दूसरा पहने। सीरियसली? हाँ ना, बहुत ओवर नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। देखो है ना, लुक्स परफेक्ट अम्मू। अगर बाबा होते इतना खुश होते, इतना खुश होते आपको इससे ज्यादा तैयार करते, और उनको तो आप मना भी ना कर पाती। आयजन बहुत याद आ रही। मैं तो हूँ, मैं उनकी कसर पूरी कर दूंगी, है ना। चले अच्छी लग रही, चले अंकल वेट कर रहे, आ जाए। देखो अगर फारूक को मैं अच्छी नहीं लगी ना फिर देखना। अरे यार बुढ़ापे के चोंचले तो देखो, तुम्हारा इन खुशियों पर कोई हक नहीं है उमैमा। फारूक सिर्फ मेरा है और मैं तुमसे ये सारी खुशियां छीन के रहूंगी। अरे भी रायना आओ ना, दूर क्यों खड़ी हो? क्या हो रहा है? सेलिब्रेशन हो रही है आने वाली खुशी। अनुषा आंटी को केक दो। तो इस खुशखबरी का तुम्हें भी पता चल गया। खुशी इतनी बड़ी है कि सबको खबर होना जरूरी है। अच्छा नहीं, ये सब मैं नहीं खाती। अच्छा एनीवेज तुम लेके आयो, मैं तो खाऊंगा, मुझे तो अच्छा लग रहा है। रायना की बातों को कभी भी गौर से मत सुनना, हमेशा ऐसी ही बातें करती है। चुप ही रहो, इतने अरसे में सब पता चल गया है मुझे। अपनी माँ के पल्लू से बंधे हुए हो तुम। मुझे तो पूरा यकीन है तुम्हारी पहली बारात भी इसीलिए वापस गई होगी क्योंकि तुम्हारी माँ का ऑर्डर होगा। और आज भी बेवकूफों की तरह यो मुंह उठाकर अपनी मनकुहा से जरा से पैसों का हिसाब ले रहे हो। शेम ऑन यू। क्या बात हुई, लड़की है तो कमजोर है? मतलब क्यों? उसे हाथ पांव नहीं दिया अल्लाह ने, दिमाग नहीं दिया सोचने के लिए? उसे जीने का हक नहीं है, इंसान नहीं है वो, अपने लिए बोलने का हक नहीं है उसे? बस 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 यार, समझ गया मैं। सिर्फ तुम्हें नहीं समझाना, ये पूरी दुनिया को समझाना है। हाँ तो समझा लेना, मैंने कब मना किया, लेकिन अब तो बस करो यार, कितना बोलती हो, थकती नहीं हो? सच बोलने में कैसा थकना हारिस, और मैं जो बोलती हूँ ना डंके की चोट पर बोलती हूँ, किसी से डरती नहीं हूँ मैं और कोई गलत बात नहीं करती हूँ। और हाँ एक और बात सुन लो, मैं जो हूँ जैसी हूँ अभी तुम्हारे सामने हूँ, अभी देख लो, बाद में नहीं बोलना कि अनुषा तुमने मुझे धोखा दे दिया, बताया नहीं था कि तुम ऐसी हो। अरे रुकती नहीं। अच्छा सुनो ये एंड में क्या क्या कहा तुमने? तो
धोखा तो मैंने तुम्हें दिया अनुषा, तुम्हें अच्छी तरह जानने के बावजूद तुम्हारा साथ नहीं दे पाया। हारिस, तुम इतनी जल्दी उठ गए बेटा? सोया ही कब था मैं? हारिस, तुम्हें इतनी टेंशन लेने की क्या जरूरत है बेटा? मैं मिसेज अजहर से बात करूंगी और तुम देखना मैं सब ठीक कर दूंगी। अम्मी, आपको उन लोगों से बात करने की अब कोई जरूरत नहीं। अब मैं कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता, ना ही माहम से और ना ही उसकी फैमिली से। मगर बेटा, इतनी जरा जरा सी बात पे रिश्ते नहीं तोड़े जाते। और देखो, तुम्हारा तो निकाह हुआ है ना, निकाह तो बहुत मजबूत बंधन है। अब सब ठीक हो जाएगा, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? दिलों में गुंजाइश ना होना तो फिर रिश्ते मजबूत नहीं होते। भूल गई हैं आप उसका रवैया, किस तरह उसने आपसे बात की थी? आप भूल सकती हैं, लेकिन मैं नहीं भूल सकता हूं। फिर भी बेटा, मैं दोबारा तुम्हारा घर उजड़ते हुए नहीं देख सकती। एक बार कोशिश तो जरूर करूंगी कि बात बन जाए। नसरी ने जूस निकाल दिया मैंने अम्मू के लिए, ठीक है? अम्मू उठेंगी तो उनको दे देंगे। और मैंने सैलेड भी बनाकर रखा है फ्रिज में, लेकिन अम्मू को देने से पहले उसमें थोड़ा सा स्पाइस ऐड करेंगे, चटपटा अच्छा लगेगा उनको, ठीक है? जी अच्छा। तुम बाकी के लोगों के लिए नाश्ता लगा दो, अम्मू उठ जाएंगे तो मैं उनको करवा दूंगी। बीबी जी, आज आप ऑफिस नहीं जाएंगी? नहीं, मैंने 2 दिन की छुट्टी ली। तुम फिर आ गई यहाँ? जी, क्योंकि अम्मू को मेरी जरूरत थी। ये क्यों नहीं कहती हो कि अम्मू के बहाने तुम्हें यहाँ रुकने का मौका मिल गया? हुँ? तुम जानती हो ना कि तुम्हें फारूक बिल्कुल पसंद नहीं करता, उसने तुम्हें यहाँ से निकाला था। बेहतर यही होगा कि उसके उठने से पहले तुम इस घर से चली जाओ। मैंने रोका है इसे। तुमने रोका है? मैंने रोका है इसे। फारूक, लेकिन तुमने ही तो इसे इस घर से निकाला था। मैंने कभी भी नहीं निकाला था इसे। गलतफहमी भी हो जाती और फिर जो बात गुजर गई है उसे दोहराने का क्या फायदा? निकाला तो तुमने ही था फारूक। अब अपनी बीवी की खौफ से अगर कुछ कह नहीं पा रहे हो तो वो एक अलग बात है। मेरे जाती मामलात में दखल अंदाजी देने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। ये मेरा घर है, यहाँ फैसला भी मेरा ही होगा कि कौन रहेगा और कौन नहीं। फारूक, इस मामूली लड़की के लिए तुम मेरी इंसल्ट नहीं कर सकते। मामूली लड़की नहीं है, मेरी बीवी की भतीजी और मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त की बेटी है। और जिससे मेरा ताल्लुक हो वो मामूली नहीं होता, वरना तो तुम भी बहुत मामूली हो। नेक्स्ट टाइम ऐसी कोई बकवास नहीं करना।
थैंक यू। मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। अगर तुमने अपने भाई से कुछ भी कहा या उसे कुछ भी बताया तो मैं भी चिल्ला चिल्ला कर सबको बता दूंगी कि रेहान तुम्हारी औलाद है। मेरी बकवास बंद करो, मैं ये सब कुछ अनीशा सहर जी मुझे प्लीज एक कप चाय बना दो और चाय थोड़ी स्ट्रॉन्ग बनाना, नाश्ता थोड़ी देर बाद करूंगी। जी अच्छा। अरे मिसेज अजहर आप इतनी सुबह सुबह, हाँ यार बैठिए ना। मैं यहाँ बैठने नहीं, आपसे कुछ पूछने आई। वो तो सब ठीक है लेकिन प्लीज आप बैठ के बात कीजिए ना। ये बताइए आपने मेरी बेटी को समझा क्या है? लवारिस है, गरीब मिस्कीन है, इसने कभी शॉपिंग नहीं की या क्रेडिट कार्ड नहीं देखा। ये क्या कह रही हैं आप? मैं कुछ समझी नहीं। आई थिंक आप लोग मेरी बात को गलत रंग दे रहे हैं। मेरा ये मतलब हरगिज नहीं था। मैं तो सिर्फ बात को गलत रंग दे रही हूँ, आपने तो मेरी बेटी को गलत कर दिया। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से हिसाब लेने की? वो अच्छा हाँ प्लीज बैठे ना, बैठ के बात कर लीजिए। मुझे अब आपसे कोई बात नहीं करनी, उतना काफी है जितना आप महाम को सुना चुकी। आई एम सॉरी, आप हमारे घर में खड़े होकर इस तरह हमारी इंसल्ट नहीं कर सकती। ओह तो आप जैसे लोगों की भी इंसल्ट होती है। जो दूसरों की इंसल्ट करके बहुत फखर महसूस करते हैं, कि तुम और तुम्हारी माँ ही थे ना जिन्होंने दूसरे की बेटी की बारात वापस लाके उसके बाप को मौत की नींद सुला दिया था। और हमारे सामने कितना शरीफ बन रहे थे, पर हमने भी यकीन कर लिया आपकी बातों पर। तो अच्छा हुआ कि वक्त से पहले आप लोगों की असलियत सामने आ गई। वैसे बारात वापस लाके आपने उस लड़की पे बहुत एहसान किया। उसकी जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली, जो आप जैसे कमजोरफों के खानदान में नहीं आई। अब सुकून से अपनी जिंदगी कहीं गुजार रही होगी। वैसे अब समझ आया उस लड़की ने हक क्यों मांगा था। हाँ, आप लोगों की फितरत जो उसके सामने आ गई होगी। वैसे भाई एक बात तो बहुत अच्छी हुई, जो माहम ने तुम्हारी माँ के क्रेडिट कार्ड पर शॉपिंग कर ली। इस बहाने आप लोगों की आलस जर्फी तो सामने आई। आपको कोई हक नहीं बनता हमारे पर्सनल मैटर में इंटरफेयर करें। एक्सक्यूज मी, तुम्हारी माँ को हक था मेरी इंसल्ट करने का? वो तो अल्लाह का शुक्र है कि तुम लोगों की असलियत वक्त से पहले मेरे सामने आ गई। Thank you.
अब मुझे तुमसे और इस घर से कोई रिश्ता नहीं रखना। तलाक के पेपर्स तुम्हें मिल जाएंगे और वो सारा सामान भी जिसके लिए तुम्हारी मां मरी जा रही है। आप लोग जा सकते हैं। ये थे आपके शरीफ लोग? सना, मैंने बॉस को पहले ही बता दिया था कि मुझे 2-3 दिन की छुट्टी चाहिए होगी, और अभी मैंने तुम्हें एप्लीकेशन मेल कर दिया। प्लीज उसका प्रिंट आउट निकाल के ना बॉस को दे देना, ठीक है? थैंक यू सो मच। तुम ठीक हो? ओके, मैं दोबारा कॉल करती हूँ। अल्लाह हाफिज़। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, ऑफिस कॉल की थी। पता, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरे घर में हो। अच्छा, तो आपको यकीन दिलाने के लिए क्या किया जाए? कुछ नहीं, बस यूं ही मेरे सामने रहो। जी नहीं, मुझे बहुत सारे काम, अम्मू को नाश्ता भी करवाना है और मेडिसिन भी देनी है। अनुषा, मुझे अच्छा लग रहा है कि तुम इस तक घर की जिम्मेदारियां संभाल रही हो। मुझे तो लगता है ये जो प्रेगनेंसी वाली बात है ना, ये भी एक ड्रामा ही है। क्या हो गया आंटी, इतनी बड़ी बात गलत कैसे हो सकती है? और वैसे भी बाबा खुद लेके गए थे उसको गायनेकोलॉजिस्ट के पास। चलो मान लेती हूँ, लेकिन अब उमैमा के पास ट्रम्प का पता आ गया है और वो फारूक से हर बात मनवाएगी, बल्कि मनवा ही लिया है। तुम्हें पता है अनुषा घर आ गई है रहने के लिए। क्या? जी, आज सुबह किचन में खड़े होकर वो नौकरों पर रोब झाड़ रही थी, इसमें फौरन पहुंच गई, मैंने टोक दिया। लेकिन हुआ क्या, फारूक ऊपर से आया और आखिर मेरी इंसल्ट करती। ये कैसे हो सकता है? क्या बाबा भूल गए कि वो भाई पे डोले डाल रही है? अरे बुढ़ापे की औलाद के पीछे वो सब कुछ भूल चुका है। तुम देख लेना, बहुत जल्द अनुषा इस घर की बहू भी बन जाएगी। हरगिज़ नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, इम्पॉसिबल। अरे इसलिए तो कह रही हूँ कि ये गुस्सा खत्म करो। और यूसुफ, तुम्हें ना वहां से इस तरह नहीं आना चाहिए था। तुम्हें उस घर में रह के उनका मुकाबला करना होगा। अच्छा, तो आप ये कह रही हैं कि बाबा की गलती के सामने मैं सर झुका दूं? नहीं आंटी, जब तक बाबा मुझे मनाएंगे नहीं, तब तक मैं उस घर में कदम नहीं रखूंगी। तुम्हारी बात कभी भी नहीं मानेंगे, वो अपनी बीवी और बच्चे को कभी भी नहीं छोड़ेंगे।
और तुम्हारे लिए क्यों छोड़ेंगे वो? बिल्कुल ठीक कह रहा है नदीम, प्लीज थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो। और मेरे साथ चलो और फारूक से सॉरी बोलो। नो नो आंटी, नेवर। युसरा, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, ठीक है फिर आप इस बच्चे को रास्ते से हटाएं और मैं बाबा से सॉरी कर लूंगी। और अब मुझे बहुत भूख लगती है इसलिए हम लंच करने चलते हैं, मैं 2 मिनट में रेडी हो क्या? क्या मुसीबत डालती है मेरे सर पे ये? फारा का लंदन से फोन आए जा रहा है बार बार, क्या बोलूं उसको? फिकर मत करो, इस चीज को भी मैं अंजाम तक पहुंचाती हूँ। ऊपर से खर्च करने के लिए पूरी कौड़ी नहीं है जेब में मेरी। क्या बातें कर रहे हो, वे कुछ दिन पहले ही तो तुम्हें मैंने इतनी बड़ी अमाउंट दी है। ये जो रोज घूमती है, रोज बाहर खाना खाती है, शॉपिंग करती है, जिस गाड़ी में घूमती है ना उसमें भी पेट्रोल चलता है। जब चूंटी की मौत आती है ना तो उसके पर निकल आते हैं। उड़ने दो, मैं भी देखती कितना उड़ सकती है। क्या चाहते हो तुम? उसकी बात मानना चाहते हो ना, तो जाओ। वो जिद्दी और सरकश लड़की ना तुमसे तलाक लेगी और तुम्हें ठोकर मार के चली जाएगी, और उसे कुछ लौटाना भी नहीं पड़ेगा क्योंकि बहुत होशियारी से ना उसने अपने हक महर के साथ अपना खर्चा भी लिखवा लिया है, सब कुछ लेके यहाँ से चली जाएगी। हक महर के अलावा और क्या चाहिए तुम्हें? अभी मांग लो मुझसे, ये ड्रामा तो मत करो तुम। अब तुम मुझे लालची समझ रहे हो हारिस? तुम तो चुप ही रहो, इतने अरसे में सब पता चल गया है मुझे कि अपनी माँ के पल्लू से बंधे हुए हो तुम। मुझे तो पूरा यकीन है तुम्हारी पहली बारात भी इसीलिए वापस गई होगी क्योंकि तुम्हारी माँ का ऑर्डर होगा, और आज भी बेवकूफों की तरह यो मुंह उठाकर अपनी मनकूहा से जरा से पैसों का हिसाब ले रहे हो। शेम ऑन यू। तो आप जैसे लोगों की भी इंसल्ट होती, दूसरों की इंसल्ट करके बहुत फखर महसूस करते हैं। ये तुम और तुम्हारी माँ ही थे ना जिन्होंने दूसरे की बेटी की बारात वापस लाके उसके बाप को मौत की नींद सुला दिया। वैसे अब समझ आया उस लड़की ने हक क्यों मांगा था। आप लोगों की फितरत जो उसके सामने आ गई। अब मुझे तुमसे और इस घर से कोई रिश्ता नहीं रखना। तलाक के पेपर्स तुम्हें मिल जाएंगे और वो सारा सामान भी जिसके लिए तुम्हारी मां मरी जा रही है। अम्मी आपने ऐसा क्यों किया? जिंदगी में पहली बार तो आपसे कुछ मांगा था। हारिस, क्या बात है बेटा,
तुम बहुत अपसेट लग रहे हो। हमी, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। हारिस, मेरा यकीन करो बेटा, मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं था। असर साहब ने मुझसे कोई जिक्र नहीं किया, निकाह से पहले भी और निकाह के बाद भी कोई बात डिस्कस नहीं की उन्होंने मुझसे। वो तो आज जब ये बात खुली है तो पता चला है। और तो और, हजर साहब ने काजी के सामने बैठकर अपनी बेटी से साइन करवाए हैं। अम्मी, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, आप जाएं यहां से। मैं जानती हूँ हारिस के तुम बहुत अपसेट हो, लेकिन मेरा यकीन करो, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है बेटा। प्लीज खुदा के वास्ते अपनी अपनी माँ से इस तरह से बदसन मत हो। आप नहीं जाएंगी ना? ठीक है, मैं चला जाता हूँ। मेरा बच्चा बहुत ज्यादती हुई है इसके साथ। काश मुझे पहले से मालूम होता कि महम कितनी मक्कार लड़की है, इसकी सारी अच्छाई सिर्फ और सिर्फ दिखावा थी। तेरे दिल को पता।